हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा यूट्यूब चैनल हरी टेक्निकल। और आप सब दोस्तों को मेरा इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों जो नए दोस्त देख रहे हैं, नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा है उसको प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, मैं फर्स्ट पर जो भी वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाएगा और मेरा लेटेस्ट वीडियो जो LED रिपेयरिंग का है आप फर्स्ट देख सकते हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो मैं वीडियो लाया हूँ वो 14 वाट LED सर्किट का क्या प्रॉब्लम हो सकता है और 14 वाट LED सर्किट को किस तरह से रिपेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें क्या क्या फॉल्ट आ सकता है ये मैं आप लोगों को सब बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस सर्किट को मैं बना रहा था तो दोस्तों इसका जो SMD लाइट है इसको तो चेक करने के लिए मैं आप लोगों को बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अगर कोई भी LED सर्किट का अगर SMD लाइट अगर आप चेक करना चाहते हैं तो किस तरह से कीजिएगा मैं आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चाहे 14 वाट का हो चाहे 9 वाट का हो, तो ये सीरीज में ले लीजिएगा इस टाइप से। और दोस्तों एक इधर में दीजिएगा और एक प्लस में दीजिएगा, ये देखिए इस तरह से ये ग्लो करेगा। तो हमारा SMD लाइट ओके है। पहला स्टेप यही है जो आप SMD लाइट ज़्यादातर फ्यूज होता है। तो दोस्तों पहला स्टेप में आप SMD लाइट जो है उसको चेक कर लीजिएगा सिरिंज से इस टाइप में इधर में दीजिएगा और इसका प्लस में टच कीजिएगा तो ये ग्लो करने लगेगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो MPCB है ये एकदम बिल्कुल ओके है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका जो प्रॉब्लम था इस सर्किट में, देखिए आप लोगों को तो अभी पता ही चल गया होगा कि MOB और रेजिस्टेंस खराब होता है हाई वोल्टेज के लिए। तो दोस्तों इसका भी MOB फट चुका है, ये खराब हो चुका था, ठीक है दोस्तों। तो इसका मैं निकाल दिया हूँ और इसका रेजिस्टेंस मैं चेंज कर दिया हूँ, ठीक है। और इस वैल्यू का मेरे पास MOB नहीं है तो मैं MOB नहीं लगाया हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है उसको मैं बता रहा हूँ। इसका जो मेरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर हमारा वीक हो चुका था और इसका जो आउटपुट वोल्टेज है हमारा वो कम मिल रहा था, ठीक है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका आउटपुट जो वोल्टेज है वो हमें कितना मिलना चाहिए। दोस्तों ये A1 110 या 115 चाहे 100 से ऊपर मिले आपका तो आपका समझिए सर्किट ओके है। लेकिन दोस्तों अगर आपका 110 से नीचे मिले तो खराब है। देखिए मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि हमें ये कितना मिल रहा था। तो इसको दोस्तों 200 पर DC पर सेट कर लेंगे मल्टीमीटर को और इसको हम लोग प्लस और माइनस प्लस माइनस में इस तरह से देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये देखिए मेरा वोल्टेज शो कर रहा है 41, ठीक है दोस्तों। तो ये ग्लो नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों 41 में ये ग्लो नहीं करेगा, इसको 100 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए इसका जो प्रॉब्लम है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये जो हमारा कैपेसिटर था ये खराब हो गया था। तो मैं इसका ये देखिए ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ था, इसका वैल्यू है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ 100 UF और 100 वोल्ट का है, ठीक है दोस्तों। और ये खराब हो चुका था तो मैं इसको चेंज करके इसमें मैं लगा दिया हूँ 100 वोल्ट और 82 UF का, ठीक है दोस्तों। ये काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसका जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम इसका ट्रांसफार्मर का है। इसका जो ट्रांसफार्मर है ये खराब हो चुका है, ठीक है दोस्तों। देखिए मैं इसको सोल्डिंग, इसमें जो सर्किट है ये बहुत ख़राब सर्किट है दोस्तों। इसका सोल्डिंग करने से इसका जो ये है वो निकल जाता है, जो जहाँ में ये रहता है कनेक्टर वो निकल जा रहा है। देखिए मैं किस तरह से इसका सोल्डिंग को किस तरह ज्वाइंट किया हूँ। अगर आप लोगों का भी सोल्डिंग अगर निकल जाता होगा तो आप स्क्रैच करके वहाँ पर सोल्डिंग करके कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इस जगह मेरा ट्रांसफार्मर का लेग है और मुझे यहाँ में ये चीज़ निकल गया, वाइट हो गया था, तो मैं यहाँ पे स्क्रैच करके यहाँ में कनेक्शन करके लाया हूँ, ठीक है दोस्तों। सेम पोजीशन यहाँ भी, सेम टू सेम यहाँ भी हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हमारा ये ट्रांसफार्मर खराब है, ठीक है दोस्तों। इसलिए मेरा इस वैल्यू का भी ट्रांसफार्मर नहीं है, 14 वाट का ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं आप
मेरा पास कभी आएगा तो मैं इसको लगा दूंगा। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे, अब देखिए दोस्तों इस सर्किट को मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सीरिंज में लगा दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये आपस में सटा हुआ है इसलिए मेरा सीरिंज जल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह से कर दे रहा हूँ, अब इसको मैं सीरिंज में दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको सीरिंज में दे दिया हूँ और हमारा इसमें करंट आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको क्या करूँगा, देखिए इसको जो ये वाला इधर लेग सेल इसमें और इसका ट्रांसफार्मर में लगाने से ये ग्लो करेगा। ये देखिए दोस्तों ग्लो कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का इसका जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है इसका ट्रांसफार्मर जो हमारा ये ख़राब हो चुका है। अब मेरे पास इस वैल्यू का ट्रांसफार्मर नहीं है, मेरे पास 14 वाट का, फिर कभी आएगा तो मैं इसको लगा दूंगा। तो ये देखिए इस तरह से ये ग्लो करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस टाइप का इसका फॉल्ट आता है। अगर ये दोस्तों इस टाइप का अगर आप लोगों का पास कभी आए LED 14 वाट का, तो इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हैं दोस्तों। अगर ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को।